मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आज होगा कोरोना टेस्ट, रविवार से खांसी और हल्के बुखार की शिकायत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ी तनातनी, एलजी ने कोरोना से जुड़े केजरीवाल सरकार के दो फैसले पलटे। एलजी के फैसले के बाद दिल्ली में बाहरी लोगों के कोरोना इलाज का रास्ता खुला, पहले केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज करने का आदेश दिया था। दिल्ली में लगातार तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 1007 नए मामले, 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 874 की वायरस ने ले ली जान। अब एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, 5 से 10 दिन के भीतर करवा सकते हैं अपना टेस्ट। केजरीवाल के दो फैसले पलटने पर दिल्ली सरकार ने बीजेपी को घेरा, सिसोदिया बोले बढ़ा दी दिल्ली वालों की चुनौती। उपराज्यपाल के फैसले पर विफरी कांग्रेस, कहा नहीं है केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए आज डीडीएमए की बैठक, मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी सीएम लेंगे हिस्सा, ठीक नहीं अरविंद केजरीवाल की तबीयत। जेएनयू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों से कैंपस छोड़कर जाने के लिए कहा गया, 15 अगस्त से पहले पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं। देश में 2,56,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 10,000 नए मामले। देश में अब तक 7,200 मरीजों की कोरोना से मौत, करीब 1,24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना पॉजिटिव, बंगाल में तूफान से हुई तबाही में राहत बचाव कार्यों में लगी थी ड्यूटी। यूपी में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 412 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 10,900 के पार। नोएडा में बीते 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 699 पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले बढ़े, 109 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 88,500 के पार, अब तक 3,169 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामले 50,000 के पार पहुंचे, अब तक 1,702 मरीजों की मौत। जयपुर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 34 नए मामले, राजस्थान में कुल संक्रमित 10,800 के पार, अब तक 246 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कुल मरीजों का आंकड़ा 31,667 तक पहुंचा, अब तक 259 की मौत। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की, सोमवार शाम को करीब 6 बजे मारी गोली। अनंतनाग की लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता, टीआरएफ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग में मातम, सुरक्षा बलों ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी शुरू किया। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। शोपियां में पिछले 36 घंटे में मारे जा चुके हैं 9 आतंकवादी, 5 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने सोमवार को किया था ढेर। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, उड़ी सेक्टर के रिहायशी इलाकों में दागे मोर्टार, कई घरों को नुकसान। केरन और रामपुर सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीज फायर, मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय फौज। तय समय पर काशी विश्वनाथ मंदिर न खुलने से जुटे श्रद्धालुओं में रोष, मंदिर के बाहर गेट खुलने के इंतजार में कई श्रद्धालु, मास्क पहनकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर बैठे हैं भक्त, मंदिर प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मंदिर में बिकने वाले टिकटों की संख्या एक तिहाई कम की गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। गाजियाबाद में एक और फैक्ट्री बंद, करीब 200 कर्मचारी बेरोजगार, फैक्ट्री गेट पर खड़े रहने को मजबूर। औरंगाबाद में कोरोना के मरीज, 2 कैदी भागे, क्लार्क अस्पताल को चकमा देकर भागे। पाली में 70 साल की मरीज ने कोरोना को हराया, घर लौटने पर स्वागत से खुश महिला खुद नाचने लगी। प्रयागराज में हाईकोर्ट में 2.5 महीने बाद दोबारा कामकाज शुरू, कोरोना की वजह से रुका था काम। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने बांटी 2,500 से ज्यादा राशन किट, मुंबई नगर निगम ने जरूरतमंदों को दी मदद। नोएडा में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्ती, पुलिस ने काटे चालान, आला अफसरों ने सेक्टर 18 मार्केट का दौरा किया। गया में थाने के चौकीदार की गोली मारकर हत्या, कत्ल की वजह भी साफ नहीं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक खोला गया, लोगों की दिक्कत कुछ कम हुई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लौटने लगी रौनक, ग्राहकों की तादाद में हुआ इजाफा। श्रीनगर में कुछ युवा कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद, कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बाद भी मदद के लिए आगे आए। हुगली में ऑनलाइन कोचिंग का विरोध, एनएसयूआई ने किया
प्रदर्शन। कुल्लू के एनी कस्बे में भीषण आग, एक तीन दुकानें जलकर राख। लखनऊ में अनलॉक एक में खुल रहे हैं सारे एएसआई स्मारक। प्रार्थना और इबादत की होगी इजाजत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, छह बदमाशों को लगी गोली, दो पुलिस वाले घायल। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का केस दर्ज। हाईवे पर फरसे से काटते दिखे थे केक। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन। किसानों के गन्ने का 400 करोड़ बकाया नहीं चुकाने का मुद्दा उठाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया जिम्मेदार। बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए बिना रणनीति के लॉकडाउन किया लागू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फतेहाबाद का दौरा करेंगे। किसानों से मेरा पानी मेरा विरासत योजना पर राय लेंगे। बर्धमान में एसएफआई के छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा नोटिस को जलाया, फीस माफी और सिलेबस पूरा किए बिना परीक्षा नहीं कराने की मांग। पुणे के चंचवाड़ रेड जोन में पुलिसकर्मियों पर पथराव, तीन सिपाही घायल। बैरिकेटिंग लगाने से नाराज थे छात्र। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर, एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी चार गोलियां। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, दोनों महिलाएं कारोबारी की थी पत्नी। पहली पत्नी ने अपनी सौतन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक नाबालिग मुवक्किल ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार दो युवकों की गोली मारकर हत्या, गैंगवार में मर्डर का शक। श्रावस्ती में दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा, पुलिस कार्रवाई नहीं होने से 13 साल की बच्ची ने खाया जहर, हालत गंभीर। अकोला में 15 दिनों में 15 हत्याओं से सनसनी, लॉकडाउन के बाद चोरी और मामूली विवाद में हुई ज्यादातर वारदातें। दिल्ली पुलिस ने गांधीनगर में रहमान मर्डर केस सुलझाया, दोस्त ने कपड़ा काटने वाली मशीन से गला काट कर की थी हत्या। छिंदवाड़ा के महुलझर थाने में मालखाने से सरकारी पिस्टल गायब, दो सिपाही निलंबित। खंडवा कोर्ट में कोरोना की एंट्री, दो जज मिले कोरोना पॉजिटिव। पुणे में सलून कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से सलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग। शाहजहांपुर में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों और निजी अस्पतालों के गठजोड़ का खुलासा, गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद पैसे के लिए बनाया बंधक। रांची में कपड़ों की बड़ी फैक्ट्री ओरिएंट क्राफ्ट के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन में ऑर्डर रद्द होने के बाद मालिक का नौकरी पर रखने से इनकार। कैमू से प्रवासी मजदूर फिर काम की तलाश में चल रहे हैं प्रदेश, बिहार में काम नहीं मिलने से लौटने को मजबूर मजदूर। काम की तलाश में प्रवासी मजदूर फिर चले पंजाब, मालिकों ने लखीमपुर भेजा बस। फर्जी दस्तावेजों पर कई जगहों पर नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर में भी केस दर्ज। यहां के स्कूलों में भी 1 लाख से ज्यादा का ले चुकी है वेतन। पश्चिम बंगाल की बांकुरा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल, पुलिस ने गांव वालों पर भाजी लाठियां। बैतूल के बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर काटे गए चालान, कई दुकानदारों पर भी नियम तोड़ने पर की गई ये कार्रवाई। पटना रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई, मुसाफिरों को मिली मदद। गुवाहाटी में भी मॉल और बाजार खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो रहा है पालन। मथुरा में पीपी किट पहनने से एक पुलिस वाला हुआ बेहोश, उमस और गर्मी में पीपी किट बनी मुसीबत। भरतपुर का केवला देव पक्षी विहार पर्यटकों के लिए फिर से खुला, सीमित संख्या में पर्यटकों की होगी एंट्री। कोची में कई चर्च आज भी नहीं खुलेंगे, कोरोना संक्रमण के चलते 30 जून तक बंद रखने का फैसला। आसनसोल में बस सेवा बहाल, नई गाइडलाइंस के हिसाब से शुरू हुआ परिचालन, लॉकडाउन के दौरान किया गया था बंद। पुणे में 10% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तर खुले, सरकारी गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। अमरोहा में फार्मा कंपनी की फैक्ट्री से गैस लीक का मामला, दमकल की टीम मौके पर मौजूद, अभी तक किसी खतरे की बात सामने नहीं आई। बिलासपुर में सालों से अरपा नदी के किनारे बसे 200 परिवारों को हटाया गया, जमलीबाठा में नए आवास दिए गए। बंगलोर में गेट के साथ दीवार ढही, मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे की मौत। गेहूं की पैदावार में पंजाब को पछाड़कर मध्यप्रदेश बना नंबर वन, मध्यप्रदेश में इस साल 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन। इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन में 74% की बढ़ोतरी, देश का 33% गेहूं केवल मध्य प्रदेश में उगाया गया। एसबीआई ने 7.5% ब्याज पर शुरू किया पर्सनल गोल्ड लोन, 20 लाख तक का कर्ज लेने की सुविधा।
जून के बाद भी जारी रह सकती है महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीने जमा करने वाली योजना। 20 करोड़ महिलाओं को होगा फायदा। जियो यूजर्स को फ्री मिलेगा एक साल का डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन। चुनिंदा प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करने पर मिलेगा फायदा। बीपीसीएल के विनिवेश के लिए सरकार को भरोसा। चीन से कतराने वाली पेट्रोलियम कंपनियां खरीद सकती हैं हिस्सेदारी। स्विगी बंद करेगी अपनी प्रीमियम फूड डिलीवरी सर्विस। स्कूटसी 2018 में 50 करोड़ में किया था अधिग्रहण। जोधपुर के युवा क्रिकेटर रवि बिश्नोई का अंडर 19 वर्ल्ड 11 में चयन। शहर में खुशी की लहर। टीवी सीरियल कलाकारों पर लॉकडाउन की मार। महोबा के युवा अभिनेता तुषार परवाल शूटिंग बंद होने के बाद घर लौटे। ग्वालियर में मांस और खाल के लिए वन्य जीवों को करंट लगाकर मारने का मामला सामने आया। पानी के गड्ढे में डाले बिजली के तार। केस दर्ज। असम में कछार जिले में वाटर टैंक में 13 बंदरों की मौत। जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थधाम के पुरोहितों की उत्तराखंड सरकार से गुहार। कोरोना के चलते अभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा न खुली जाए। ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड को दी गई श्रद्धांजलि। चर्च के बाहर कतार में खड़े नजर आए लोग। अंतिम संस्कार के लिए होम टाउन ह्यूस्टन लाया गया था फ्लॉयड का शव। लोग हुए भावुक। फ्लॉयड की मौत पर ऑकलैंड में विरोध के दौरान दिखा गुस्सा। ऑकलैंड की सड़कों पर लिखा अश्वेतों की जिंदगी भी मायने रखती है। विरोध के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में फ्लॉयड की मौत पर गुस्सा। सड़कों पर पेंट करके लिखा रंगभेद को करो खत्म। रंगभेद को लेकर प्रदर्शन के दौरान ब्रिटेन के चेल्टनहम शहर में पुलिस ने दिखाया नरम रुख। घुटनों के बल बैठकर दिया समर्थन। नहीं थम रहा दुनिया में कोरोना का कहर। अब तक 4,06,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना की तबाही के बीच राष्ट्रपति के समर्थकों ने निकाली रैली। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। न्यूजीलैंड ने जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग। अस्पताल से घर लौटा आखिरी मरीज। 2021 के ओलंपिक्स की तैयारी में जी जान से जुटा अर्जेंटीना का एक खिलाड़ी। गर्लफ्रेंड के स्विमिंग पूल में कर रहा था नौकायन की प्रैक्टिस। चीन के चेंगडू रिसर्च बेस में अब तक सबसे वजनी पांडा का जन्म हुआ। 219 ग्राम है वजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।